साइबर क्राइम ब्रांच ने फर्जी वेबसाइट बनाकर बल्क ट्रेडिंग व आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कारोबारी से 46 लाख की चपत लगाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम ब्रांच ने फर्जी वेबसाइट बनाकर बल्क ट्रेडिंग व आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कारोबारी से 86 लाख की चपत लगाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने जालसाजों को बैंक खाते बेचे थे। एडीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शाहपुरा निवासी कारोबारी ने शिकायत की थी कि उनके मोबाइल पर ट्रेडिंग में निवेश का मैसेज आया था। इसके बाद व्हाट्सएप पर मोतीलाल ओसवाल पीएमएस की लिंक भेजी गई थी, जिसको क्लिक करके उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था। उन्हें बताया गया कि कंपनी बल्क ट्रेडिंग और आईपीओ में एक्सपर्ट है। उन्होंने ग्रुप को ट्रेडिंग की सहमति दी थी। इसके बाद किश्तों में उनसे 46 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू की तो अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खाता धारक सचित कुमार गौतम और टेलीग्राम ऐप पर जालसाजों को बैंक खाता बेचने वाले आकाश कौरव व निखिल सिंह लोधी को अयोध्या नगर भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सचिन कुमार से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 1 पासबुक, एटीएम कार्ड, आकाश कौरव से 2 सिम, चेकबुक, एटीएम कार्ड और निखिल सिंह से 3 सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि अपराध में प्रयुक्त होने वाले बैंक खातों में अब तक करीबन 15 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका है। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को कई साइटें, कई तरह के विज्ञापन हैं जो जल्द अमीर बनने का ख्वाब दिखाते हैं और लोग इसी लालच में आकर अपना बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। मोतीलाल ओसवाल का जो पीएमएस नाम की ऐप है, इस तरह बनाई गई थी तो ओसवाल कंपनी के शेयर्स बल्क में बेचकर बल्क ट्रेडिंग के नाम पर इनको इन्वेस्टमेंट कराया गया। एक फर्जी जो ओसवाल नाम से पीएमएस ओसवाल नाम से ऐप बनाई गई, उसमें इनको जो इनका जो मुनाफा वो भी कई गुना ज़्यादा दिखता था, एकदम दिखता था। और उन लोगों को पसंद आता था जो इस तरह के मुनाफे, बैठे बैठे मुनाफे, एकदम बड़ा आदमी बनने की चाह रखते हैं। तो इस लालच में आकर अधिक द्वारा भी 86 लाख रुपए गवा दिए गए, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेवी के माध्यम से करना चाहिए, उनके थोड़ा एजेंसियों के माध्यम से करना चाहिए। और जब आप इतना पैसा अमाउंट दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सत्यापन या उस पैसे के लौटने की कहीं ना कहीं उम्मीद या उस तरह का सबूत आपके पास रखना चाहिए। बाद में जब ये इनकी ऐप बंद हुई, इन लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, तब फरियादी द्वारा शिकायत की गई। इसमें भोपाल के 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें कि खाते में पैसा आया है। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने खाते खुलवाए हैं, यहाँ पर पैसे वापस भेजा है उस मुख्य आरोपी को, जिसके द्वारा ये धोखाधड़ी प्रारंभ की गई। मामला कुल मिलाकर इस तरह की इसमें ग्रुप में कई लोग शामिल होते हैं, जो कुछ लोग ऐप बनाते हैं, कुछ लोग उसमें अकाउंट है जो है खरीदवाते हैं, अकाउंट किराए पे लेते हैं, कुछ लोग पैसा डलवा कर उनका पैसा बाहर भेजते हैं, बाहर से मतलब जो सरगना है उसको भेजते हैं। इस तरह का जो नया रैकेट चल रहा है, और मेरी लोगों से अपील है कि इस तरह की झांसे में ना फंसे। भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर जो शाखा है, उसने 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार कर उनको रिमांड पर पेश किया।